तो गाइस अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर एनिमी के हिट पे एम लॉक नहीं कर पाते एंड आप लोग का फ्री फायर के अंदर हेडशॉट नहीं लगता तो गाइस आप लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ऑटो एम लॉक हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग प्रोवाइड करने वाला हूं जिसको अगर आप लोग यूज करते हो तो आप लोग सभी गन से एनिमी के हिट पे एम लॉक करके बहुत इजीली उसको हेडशॉट एंड वन टैप हेडशॉट मार पाओगे एंड मैं आप लोग को एक बेस्ट फायर आइटम का साइज भी प्रोवाइड कराने वाला हूं वे भी आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो, पहली बार आए हो तो प्लीज सर सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से आके इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा का नेम है गाइस सर यूनिक एफेक्टिव। यार फाइनली आज की इस धमाकेदार वीडियो को तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर मैंने अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट कर दिया है। एक बार मैं फिर से आप लोग के सामने इसको रीसेट कर देता हूँ। इसमें नीचे सबसे पहली सेंसिटिविटी आती है यहाँ पर फ्री लुक, जो कि हम लोग को फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट 65 प्रोवाइड कराई जाती है। और कैसे आप लोग अपने फ्री लुक को 65 पे यूज करते हो तो जो आप लोग का फ्री लुक का ये बटन है वे गाइस अच्छे तरीके से रोटेट नहीं होता है, कभी कभी ये तो अटक भी जाता है जिसमें आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है कि अपने फ्री लुक की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके आप लोग इसको 133 पे सेट कर देना, उसका जो आप लोग का फ्री लुक का बटन है वो बहुत इजीली यहाँ पर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड बहुत स्मूथली ये रोटेट होगा एंड कभी भी अटकेगा नहीं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर स्नाइपर स्कोप, और ये फैक्ट सबसे डिफॉल्ट हम लोग को 50 प्रोवाइड कराई जाती है। अगर कैसे आप लोग अपने स्नाइपर स्कोप को 50 पे यूज करते हो तो गाइस आप लोग यहाँ पर स्नाइपर गन से एक भी शॉट एम लॉक नहीं हो पाता एनिमी के बॉडी पे एंड आप लोग की सारी बुलेट एनिमी के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से निकल जाती है। अगर आप लोग को एनिमी को स्नाइपर से मारना होता है तो आप लोग ऐसे स्कोप ओपन करके तब एनिमी को हेडशॉट या बॉडी शॉट मारते हो जिसमें बहुत टाइम लगता है एंड कोई भी प्रो प्लेयर आप लोग को बहुत इजीली हेडशॉट मार देगा। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके आप लोग इसको 102 पे सेट कर देना, उसको कैसे आप लोग का यहां पर स्नाइपर से हर एक शॉट एनिमी के बॉडी एंड हेड पे एम लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग देख रहे हो मेरे यहां पर स्नाइपर से हर एक शॉट विदाउट स्कोप एनिमी को कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जरूर से आप लोग अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को 102 पे सेट कर लेना। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर 4x स्कोप, और ये फैक्टर्स डिफॉल्ट हम लोग को 65 प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप लोग अपने 4x स्कोप को 65 पे यूज करते हो एंड अपना 4x स्कोप ओपन कर तो आप लोग का जो एम होता है वह एनिमी के बॉडी पे ही लॉक हो जाता है। आप लोग कितना भी ट्राई कर लो आप लोग का हेडशॉट नहीं लगता। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने 4x स्कोप की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके आप लोग 155 पे सेट कर देना, उसके जैसे आप लोग यहाँ पर 4x स्कोप को ओपन करोगे डायरेक्ट एम आप लोग का एनिमी के हेड पे चला जाएगा एंड लिटरली आप लोग का बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा। तो जरूर से आप लोग अपने 4x स्कोप को 155 पे सेट कर लेना। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर 2x स्कोप, और ये फैक्टर से डिफॉल्ट हम लोग को 75 प्रोवाइड कराया जाता है। अगर कैसे आप लोग अपने 2x स्कोप को 75 पे यूज करते हो एंड अपना 2x स्कोप ओपन कर दो सेम आप लोग का 4x स्कोप की तरह आप लोग का जो एम होता है वह एनिमी के बॉडी पर ही लॉक हो जाता है। आप लोग कितना भी ट्राई कर लो आप लोग का हेड शॉट नहीं लगता। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने 2x स्कोप की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके आप लोग इसको 118 पे सेट कर देना, उसको जैसे आप लोग अपने 2x स्कोप को ओपन करोगे डायरेक्ट एम आप लोग का एनिमी के यहाँ पर गाइस हेड पे लॉक हो जाएगा। लिटरली गाइस आप लोग का बहुत ज़्यादा हेडशॉट लगेगा, जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो मेरा यहाँ पर कितना ज़्यादा हेडशॉट लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर रेड डॉट, और ये फैक्टर से डिफॉल्ट हम लोग को 85 प्रोवाइड कराई जाती है। और गाइस आप लोग अपने रेड डॉट को 85 पे यूज़ करते हो तो आप लोग का फ्री फायर के अंदर एनिमी के हेड पे एम लॉक होता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग के जो बुलेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिकॉइल करती है एंड आप लोग की सारी बुलेट एनिमी के लेफ्ट राइट से निकल जाती है एंड आप लोग का बहुत बुलेट रिकॉइल करता है एंड आप लोग का बहुत ज़्यादा बॉडी शॉट भी लगता है। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने रेड डॉट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कि आप लोग इसको 107 पे सेट कर देना, उसका जो आप लोग के यहाँ पर रेड डॉट का रिकॉइल वे एकदम ही खत्म हो जाएगा एंड इसकी वजह से आप लोग की एक बुलेट रिकॉइल नहीं करेगी एंड जो आप लोग का एम लॉक है वे एनिमी के हेड पे लॉक होगा एंड आप लोग का फ्री फायर के अंदर बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा, जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो।
गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिविटी सेटिंग है वह गाइस यहाँ पर जनरल सेंसिविटी, और ये डिफॉल्ट हम लोग को 65 प्रोवाइड कराई जाती है। और कैसे आप लोग अपने जनरल सेंसिविटी को 65 पे यूज़ करते हो तो आप लोग का जो फ़ोन का डिस्प्ले होता है वह बहुत ज़्यादा हार्ड रोटेट होता है, क्योंकि आप लोग की जो यहाँ पर जनरल सेंसिविटी सेटिंग है वह बहुत ज़्यादा कम है, एंड इस वजह से आप लोग का मूवमेंट स्पीड भी नहीं हो पाता। एंड बात करें हेडशॉट का, तो जो आप लोग का एम लॉक होता है वह एनिमी की बॉडी पर ही लॉक हो जाता है। आप लोग कितना भी ट्रैक कर लो आप लोग का हेडशॉट नहीं लगता। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हो आप लोग का एम हवा में चला जाता है, एंड आप लोग की सारी बुलेट मिस हो जाती है। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपनी जनरल सेंसिविटी को इंक्रीज करके आप लोग इसको 147 पे सेट कर देना। उसके बाद कैसे आप लोग का यहाँ पर जो फोन का डिस्प्ले वो भी एकदम स्मूथ हो जाएगा, एंड आप लोग की मूवमेंट स्पीड भी एकदम ओपी हो जाएगी। एंड किस बात करें यहाँ पर हेडशॉट की, तो आप लोग देखो यहाँ पर मेरा कितना ज़्यादा हेडशॉट लग रहा है। सेम टू सेम गाइस ऐसी आप लोग का भी बहुत ज़्यादा हेडशॉट लगेगा, तो आप लोग जरूर से अपने जनरल सेंसिविटी को 147 पे सेट कर लेना। इस ये तो बात हो गई हमारी सेंसिविटी सेटिंग की। अब गाइस बात करते हैं फायर बटन साइज के बारे में। तो गाइस देखो मेरा जो फायर बटन का साइज है वे गाइस यहाँ पर 43। तो सिंपली आप लोग इसको भी यूज करते हो। अगर आप लोग का इस पे हेडशॉट नहीं लगेगा तो आप लोग जिस भी फोन के अंदर गेम खेलते हो वे किस कंपनी का फोन है एंड कितनी जी बी रैम का फोन है अगर वे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर एक बेस्ट फायर बटन का साइज रिप्लाई कर दूंगा। जरूर से आप लोग अपने फोन का रैम एंड गाइस नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना एक बेस्ट फायर बटन साइज पाने के लिए। तो गाइस आई होप आप लोग को हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ गाइस सभी लोग जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा करने में गाइस यूनिक एफ्रो टिप्स। तो बस आज के इतना ही मिलेंगे एक और नई धमाकेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड गाइस राधे राधे।